हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? तो जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को पूरा हमने कंप्लीट उसको लगा दिया है और पहले ऑपरेट करके हमने पूरा उसको चेक कर लिया है। ये जो प्रोडक्ट का हमारा नाम है, ये आज का है इंको का नेलर है, जो खिली ठोकने का जो मशीन आता है। मगर वो काहे से चलेगा? वो कॉम्प्रेसर से चलेगा। और कॉम्प्रेसर से हम कीली को पहले हम हथौड़ी से ठोक के बताएंगे आपको 10 कीली, उसके बाद हम उसी कॉम्प्रेसर से वही कीली आपको हम ये मशीन से ठोक के बताएंगे आपको कि दोनों के अंदर कितना फ़र्क है और कितना आसानी के साथ आपका ये काम कर देगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाले बटन को दबा दें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंको का हमारा जो नेलर है, इसके अंदर आपको 10 mm से 30 mm तक के नेल आप लगा सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास नेल है वो 30 mm का है। 30 mm इसका खिली का लंबान है और इसकी जो मोटाई रहेगी वो 1.25 mm की इसकी मोटाई रहेगी। और इसके अंदर क्या है कि 100 पीस पर एक कैसेट के अंदर 100 पीस आते हैं। वो मैं आपको पूरा इंको का ही वो बॉक्स में लेके आया हूँ। यहाँ पर ये एक इंको का नेलर का बॉक्स है, इसके अंदर कंप्लीट 100 पीस का ये पूरा सेट आता है। ये पूरा 100 पीस का सेट है। ये वैसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, मगर मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। ये पूरा बॉक्स आता है इंको कंपनी का, ये भी ब्रांडेड है, कंप्लीट है। तो इसकी जो नेल की साइज है, देख सकते हैं आप, 30 mm है। एकदम अंधेरा हो गया, थोड़ा उजाला रखो साइड पे। 30 mm है यहाँ पर, रिफ्लेक्ट मार रहा है, बराबर था वो। 30 mm है और ये पूरा जो पीस है ये 5000 पीस का पूरा नेलर का बॉक्स है पूरा। और ये जो हमारा इंको का नेलर है, इसके अंदर आपको 60 PSI से 100 PSI तक का आपका कंप्रेसर होगा तो उससे ये ऑपरेट हो पाएगा। और इंको की पूरी ब्रांडिंग है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। मशीन भी बहुत बढ़िया है। एक बार मैं आपको इसको वाल को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इसका नोजल लगा हुआ का आपको बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको निकाल के नोजल को यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये जो है ये इसका कैसेट लगाने का है, ये जैसे ही आप इसको पुश करेंगे पूरा बाहर आ जाएगा, ये ऐसे करके बाहर आ जाएगा ये। अब नेलर आपको कैसे लगाना है वो मैं एक बार आपको बता दूँ, नया वाला पीस लेके मैं आपको कंप्लीट एक बता दूंगा। मैं यहाँ पर पूरा खोलना है आपको। अच्छा, ये पिन दिया है। हाँ, ये पिन दिया हुआ है। और ये जो नेलर का जो पीछे का मोटा वाला हिस्सा है, पीछे से मोटा होगा, आगे से एकदम पतला वाला हिस्सा होगा, जैसा हमारा खिली होता है, उसको ऐसे यहाँ पर रख देना है और यहाँ से इसको पीछे से पुश कर देना है। जब अंदर नेल नहीं होगी तो ये अपने आप नहीं खुलेगा, तब आपको खोलना पड़ेगा। मगर जब इसके अंदर अगर ख़त्म हो जाएगी तो आपको अपने आप खोलना पड़ेगा। अभी तो इसके अंदर नेल है तो स्प्रिंग का पूरा टेंशन दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट अपने आप बंद हो जाता है और खुल जाता है। तो यहाँ पर हमने इसका जो सॉकेट है वो बॉक्स के अंदर आता है, वही आपको लगा देना है। और ये इसका गन का ऑपरेट करने के लिए है, जिसको आप पुश करेंगे तो यहाँ से एयर कंप्रेस होगी और एयर से ये खीली चली जाएगी अंदर। अरुण भाई, हैंडल कैसा है इसका? हैंडल इसका बहुत ही बढ़िया है। ये जो रबर की पूरी ग्रिप है इंको की, यहाँ पर मार्किंग दी हुई है, पेटेंट टूल्स है। और ये जो पीछे का पूरा हिस्सा है, पिस्टन का हिस्सा, इसको खोलने के लिए बॉक्स के अंदर एलिंग की दिए हुए है। और पूरा यूजर मैनुअल के अंदर आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। ऑयल भी है थोड़ा सा, आप इसके अंदर ऑयल पानी भी कर सकते हैं। अच्छा, और नेल वगैरह जाने की ये जो कैसेट है वो भी एल्यूमिनियम की है? हाँ, ये कंप्लीट एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम ही चलती है नेल के अंदर, लोहे का नहीं चलता है ये। एल्यूमिनियम क्या है कि आपको आसानी से अवेलेबल भी है और कंप्लीट आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपकी छोटी मोटी जगहों पे आपका काम भी देगा, रस्ट भी नहीं होगा, रस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर। तो मैं आप कितना अरुण भाई, ये इसका वजन तकरीबन 600-700 ग्राम जितना वजन होगा, ज़्यादा हैवी नहीं है ये, बहुत ही इफेक्टिव है और आपके हाथ में कंफर्टेबल ये आ भी जाएगा, देख सकते हैं आप। अभी मैंने इसको पूरा लगाया नहीं है, मैं इसको यहाँ पे अटैचमेंट मैंने लगा दिया है। हमारे कई व्यूअर सोचते होंगे कि इतना बड़ा कॉम्प्रेसर हम लोगों लेके बैठे हुए हैं तो ये नेलर के अंदर यही कॉम्प्रेसर चलेगा। तो दोस्तों, आप इसके अंदर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये जो हमारा कॉम्प्रेसर है ये सिर्फ हमारा डेमो का कॉम्प्रेसर है, मगर इसके अंदर आपको इतना छोटा 5 लीटर का या 2 लीटर का भी आपके पास कॉम्प्रेसर होगा
अगर आप साइट पर जाके काम करना है या आपको कहीं बाहर काम करना है दुकान के बाहर, तो आप छोटा वाला जो कंप्रेसर होता है 5 लीटर 10 लीटर का, उसके अंदर भी ये नेलर ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 60 बार की होने की 60 बार अगर आपका पावर होगा तो ये नेलर ऑपरेट करेगा, तो वो आपका छोटा कंप्रेसर भी इसमें चल जाएगा। तो इसमें सेफ्टी के अंदर क्या है कि एक बार आपने ये जो लगा दिया है, ये लगाने के बाद और इसको शुरू करने के बाद कभी भी आप नेल को अपनी तरफ कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी देख चुका हूँ इसका बहुत ही पावरफुल है। अगर गलती से भी आपसे ये ट्रिगर पुश हो गया तो ये सीधा निकल के आपके कहीं पर भी ये छेद गिरा देगा और अंदर तक उतर जाएगा। मैं आप गोली की तरह निकलते एकदम, और आगे से बहुत ही शार्प है ये, आगे से बहुत भी शार्प है। मैं आपको बता दूंगा इसका पूरा डिटेल। 30 mm का नेल है, मगर एक झटके में ये पूरा इतने जाड़े लकड़े के अंदर ये चला जाता है। तो आप थोड़ा अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए, और यहाँ पर भी पूरी डिटेल दी हुई है कि आप कितने mm तक का यहाँ पर लगा सकते हैं। 30 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm, मैक्सिमम 30 mm तक का आप कंप्लीट इसके अंदर लगा सकते हैं नेलर होल्डर के अंदर। तो ये चिप यहाँ पर लगाना बहुत ही आसान है, देख सकते हैं यहाँ पे चिप ऐसे करके चिप लग जाएगी, और ये फिट करना भी बहुत है। हाँ, कंप्लीट आवाज़ आ ही जाएगा आपको, बहुत ही बढ़िया। और ये प्रोडक्ट आपको हमारे यहाँ किंग टूल्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। किंग टूल्स पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आप हमारे शॉप पर विजिट करते हैं तो हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही सारे पूरी पावर टूल्स की रेंज आपको मिल पाएगी, और आपका मनचाहा जो भी टूल्स होगा वो आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम इसका डेमो एक बार। यहाँ पर हमने एक अटैचमेंट लगा दिया है, अब यहाँ से हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं। कंप्रेसर ऑन हो चुका है, और पहले मैं आपको 10 पीस ऐसे ही लगा के बता देता हूँ कि इतना कितना पावरफुल है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 खीली इसमें लग चुका है, मगर सरफेस के ऊपर आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर खीली लगा हुआ है। अब मैं आपको यही लकड़ा, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 30 mm का खीली है और ये 30 mm का ही लकड़ा है, देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा खीली अंदर तक चला गया है एक ही फोर्स से। अब मैं आपको हथौड़ी से इसका 5 खीली मार के बताता हूँ कितना टाइम लगता है। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तो हो गया, फिर भी मैं एक्स्ट्रा की एक ठोक देता हूँ उसकी जगह पे। हमने ये 10 खिली, हम कितनी स्पीड में इसको मार देते, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 खिली तकरीबन। उसके जितनी देर में हम एक खिली मार रहे हैं उतनी देर में हमने 10 खिली मार दिया है, और बहुत ही पावरफुल है। एक बार मैं इसको सेफ्टी के, आपको इसका सेफ्टी के और इसकी पावर बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि लकड़े के अंदर दूर से ही मारने से कितनी आसानी से घुस जाता है, देख लीजिए आप, देख लिए इसका कितना पावर है। एक मिस हो गया, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये, दूर से भी चलाया, अगर आप दूर से भी इसको चलाएंगे एक किली को मारने के लिए मुझे 5 से 6 मरतबा हथौड़ी मारनी पड़ती है, उसकी जगह पे मैं ये सिर्फ एक ही मरतबा के अंदर ये, और बहुत ही गहराई तक जाता है ये। इसको आपको डेमो देने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लाई लेके आया हूँ, प्लाई के अंदर देखेंगे आप दूसरी तरफ खिली निकल जाएगा, देखिए पूरा तोड़ के बाहर निकल गया, इतना पावर इतना है इसका, देखिए अब मैं ऐसा करता हूं कि इसको इसके ऊपर लगा के बता देता हूं आपको प्लाई को, तो आइडिया आएगा, फिर हम प्लाई को तोड़ भी देंगे इसके अंदर।
बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से इसने फिटिंग कर दिया है, देख सकते हैं आप। अभी मैं इसको खींच लेता हूँ ताकत से। अरे इसका तो पूरा बैग, पूरा बैक साइड से इसने निकाल दिया है। ये खिली का खास पर्पस ये है कि अगर ये खिली, कितने व्यूअर्स हमें पूछेंगे कि ये किस काम आएगी, तो ये खिली खास करके हमारा जो मैकेनिक, जो मिस्त्री का काम कर रहे हैं, जो सोफे का काम कर रहे हैं, उनको ये बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि सोफे के अंदर क्या रहता है, आपको एक एक खिली हाथ से लेके उसके अंदर रखना पड़ता है और फिर आपको मारना पड़ता है। उसकी जगह पे क्या होगा, इस ये आपके पास 100 कंप्लीट 100 खिली का पूरा कैसेट होगा, उसको चेंज करना है और आपको 100 खिली तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब मैं आपको एक कागज के ऊपर भी डेमो करके बता देता हूँ। स्टॉप कर, हमारा कागज है, कागज के अंदर हम इससे दूर से मार के देखेंगे कितनी ताकत है इसके अंदर। अरे यार ये तो पूरा बाहर ही चला गया, अरे चला गया बाहर, बाहर ही चला गया। एक बार यहाँ मार के मैं आपको बता देता हूँ, कागज को तो ये पूरा गांठता ही नहीं है, पूरा बाहर ही निकल जाता है। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने हाथ की तरफ इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और ये आप लकड़े के अंदर भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेरे पास लकड़ा है ये थोड़ा नरम वाला है, और एक मैं एक पीस लेके आया हूँ जो पूरा साग का लकड़ा है। ये पैलेट का लकड़ा है जो थोड़ा सॉफ्ट आता है लकड़ा, और ये जो मेरे पास है लकड़े का टुकड़ा है ये पूरा साग का लकड़ा है, देख सकते हैं आप, पूरा साग है। अब इसके अंदर भी इतनी पावर से ये जाता है, हम वो भी देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना पावरफुल ये इफेक्ट करता है। अरे वाह, ये इसके अंदर भी इसी तरह से जा रहा है और दूसरी साइड से निकल भी रहा है, देख लो, छेद दिया पूरा, पूरा छेद दिया है। क्या बात है, अरे अरे बाप, इसका पिस्टन बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है इसको दोनों को जोड़ सकता हूं मैं इससे लगा के। वाह, उठा के बताओ हारून भाई। अब मैं इसको एक बार निकाल के बता देता हूँ, मैंने जो हुए तो बहुत एकदम ताकतवर जो जॉइंट हो गया है। नहीं, अरे कंप्लीट आ गया ये, कितना सब हमने खिली मारा, सब इसके अंदर लग गया कंप्लीट। तो इसका मतलब ये एकदम हैवी लकड़े, हार्ड जो लकड़ा होता है उसके अंदर भी बहुत अच्छे से काम देगा ये, जो एकदम हैवी लकड़ा होगा। जैसे कि हमने ये, अगर आपके पास कोई रेगजिन वगैरह का आपका काम है, सोफे का काम है, तो ये कागज़ जितना मैं मोड़ रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 कागज़ है इतने, उसको एक बार मोड़ा है मैंने, इसको दो बार मोड़ा है मैंने, इतने ये पहले कितने हुए, पहले 10 हुए, उसके बाद ये 10 के 20 हो गए, ये 20 कागज़ है, और 20 के बाद मैं और इसको 40 कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर आपको मार के बता देता हूँ कि कितना इफेक्टिव है ये। अगर इसकी जगह पे आप इमेजिन करिएगा कि आपके पास सोफे का काम है और आप सोफे का काम कर रहे हैं, वाह, बहुत पूरा कागज को पूरा छलनी हो गया है, देख सकते हैं आप, और ये अंदर तक चला गया है कंप्लीट कागज, पूरी खिली उतर चुकी है, और लगता है इसके अंदर कैसेट भी खत्म हो गया है। तो हम कैसेट को चेंज करते हैं, वाल बंद करते हैं अरुण भाई, सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? हाँ, वाल बंद कर देंगे पहले, पहले वाल बंद कर देंगे, इसको खोलेंगे ये बाहर आ जाएगा, और जो हमारे पास एक अधूरा कैसेट था उसको हम आगे की जो धार रहती है उसको आपको आगे की तरफ रखना है, जो आगे से एकदम शार्प होता है उसको आगे की तरफ रखना है, पीछे आपको हेड वाला हिस्सा पीछे रखना है आपको, और ऐसे करके आप इसको लगाना बहुत ही आसान। पहले नोकीला हिस्सा रखेंगे। अच्छा, और ये लोड हो गया? लोड हो गया है हमारा, वाह, थोड़ा एयर खत्म हो गया है हमारा, एयर चालू कर लेते हैं हम। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा और हमारा वीडियो जो हमने मेहनत की है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो चैनल है और इस वीडियो को शेयर करें कि अपने दूसरे जो कामकाज करने वाले कारीगर वर्ग है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद। नजीक लाओ, पीले में मिल जाता है। बाल, 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 बहुत बढ़िया।